Hello friends, I'm Vijay DeCosta and I'm really sorry that I'm starting this workshop late. Actually, it was supposed to start about half an hour back, but I'll continue now that I've joined. Today's workshop is about how to make a portrait with Fevicryl acrylic colors for canvas. सबसे पहले मैं हिंदी में ही बात करूँगा. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा लेट हो गया आज वर्कशॉप स्टार्ट करने में, आधा घंटा. आज हम लोग जो हैं एक्रेलिक कलर फॉर कैनवस, फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स फॉर कैनवस से पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे. और ये जो पोर्ट्रेट सेशन होगा ये हम फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स से बनाएंगे. ये वाला फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स, ये कैनवस ट्यूब्स हैं 200 ml के, और सिर्फ तीन कलर्स में हम लोग ये पोर्ट्रेट बनाएंगे. सो येलो विच इज दिस पर्टिकुलर कलर, फेविक्रिल येलो, ये ब्रांड है लेमन कैडमियम येलो. फिर ये है वाइट, फिर हम लेंगे अल्ट्रामरीन ब्लू, या आप प्राइमरी सियान भी ले सकते हैं. और रेड में है प्राइमरी मजेंटा. ओके, सो ये जो चार कलर हैं प्लस वाइट, ये कलर से हम पोर्ट्रेट बनाएंगे. हाय नजरुल, गुड टू सी यू टू, थैंक यू सो मच. सो अभी मैं जो पोर्ट्रेट बनाऊंगा वो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाऊंगा मिरर में देख के. सो आई विल बी लुकिंग एट द मिरर एंड आई विल बी मेकिंग दिस सेल्फ पोर्ट्रेट. सो enjoy the demo session and please get inspired and make your own portraits as well. So I've taken these three shades, blue, yellow, red and white. These are acrylic for canvas. ये जो colors हैं acrylic for canvas के लिए है, और मैंने ज़्यादा thick colors use किए हैं ताकि मैं इसको थोड़ा impasto technique में करूँ. The technique is called impasto, that means use thick colors on canvas. And I'm using a flat brush to paint. Okay, so it's synthetic hair. This is a multi-purpose brush. ये brush से हम canvas पे भी paint कर सकते हैं using acrylic colors, oil colors और water colors. इसका spring back action अच्छा होता है ये brush का. तो ये जो brush है ये आपको use करना है painting के लिए. So I'll begin painting. So when you are making the painting, make sure that you are आपका जो skin tone है उसके हिसाब से आपको कोई भी color choose करना है. जो भी color use करेंगे, yellow, red, mixed with blue, उसमें white कम ज़्यादा करके आपको add करके skin tone के हिसाब से drawing बनाना है. अगर आपका drawing brush से directly नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको पहले pencil से draw करना है. ठीक है, मैं अभी directly brush से कर रहा हूँ.
जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसका बेसिक आउटलाइन कर दिया है। अभी इसमें जो जो शेड्स आपको दिखेंगे, जो जो मैंने जो एंगल सिलेक्ट किया है यहाँ पे, वन साइडेड लाइट का एंगल सिलेक्ट किया है। फ्रॉम द राइट साइड आई एम गेटिंग सनलाइट एंड ऑन द लेफ्ट साइड एज यू कैन सी देर इज शेड। ये जो साइड है ये पूरा शेड शेड में है, और ये जो साइड है ये लाइट में है। तो शेड एंड लाइट के हिसाब से हम लोगों को टोन्स और शेड्स बना के इसमें अप्लाई करना है। अभी जब आप पेंटिंग करेंगे तो शुरुआत में आपको सारे जो डार्कर शेड्स हैं वो पहले बनाने हैं, और लाइटर शेड्स मिडिल टोन बाद में बनाना है। तो सबसे पहले मैं अभी इसका जो डार्कर शेड है वो भरूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको अभी आउटलाइन बनाने के बाद बैकग्राउंड में आपको एक वॉश देना है, आपको एक कलर का वॉश बैकग्राउंड में देना है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको मालूम पड़ेगा कि स्किन टोन क्या होना चाहिए, हैट का कलर कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अभी बैकग्राउंड इसका पेंट करूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दिया है, तो मुझे अभी आइडिया आ जाएगा कि हैट का कलर और शेड कितना डार्क होना चाहिए। उसके बाद मैं ये जो डार्क टोन्स रहेंगे उसको फिल करूँगा और उसके हिसाब से पोर्ट्रेट बनाऊँगा।
तो नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं अभी इसका यहाँ पे टी शर्ट पेंट करूँगा। टी शर्ट का पेंटिंग करने के बाद नेक का जो कलर स्कीम होना चाहिए, नेक का जो शेड होना चाहिए कलर का, वो मुझे पता चलेगा। ओके सो अभी जो है हमने इतना पेंटिंग कवर किया है, जो भी फाइनल डिटेल्स हैं आँखों के, लिप्स के, नोज़ वगैरह, ईयर्स, ये सारे डिटेल्स आपको बाद में ऐड करने हैं। पहले अभी जो भी शेडेड एरिया है, जो भी मिडिल टोन है, लाइट टोन है, ये सब पहले भरना है। तो जैसे जैसे मैं अभी इसको कंप्लीट करूँगा, वैसे वैसे उसका डेफिनेशन आता रहेगा पेंटिंग में।
तो बेसिकली मैंने जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने तीन कलर्स में ये पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ, रेड, येलो और ब्लू, और वाइट जो है मैं इसको टिंट्स एंड टोन्स बनाने के लिए वाइट ऐड कर रहा हूँ कलर्स में। सो इसका जो आइडिया ये है कि तीन बेसिक कलर जब हम लोग यूज़ करते हैं तब हमको उसमें मैक्सिमम टोन्स कैसे बनाने हैं वो समझ में आता है। अगर आप जब भी पोर्ट्रेट सीख रहे हो तो अगर आप शुरुआत में ही बहुत सारे कलर्स यूज़ करेंगे, जैसे बर्न साइना हो गया, बर्न अम्बर हो गया, रॉ साइना हो गया, रॉ अम्बर हो गया, फिर आपका ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, ऐसे पर्पल फिर भी है, ये सब जो कलर्स हैं ये आपको अवॉइड करने हैं जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं। शुरुआत में जब सीख रहे हैं तो ट्राई एंड डू इट विद थ्री कलर्स फर्स्ट। तो जैसे जैसे आप इसमें मैक्सिमम शेड्स बनाओगे आपको फिर आइडिया आएगा कि अभी मुझे इसमें और कौन कौन से कलर लगेंगे। थोड़ा बहुत आपको आइडिया आने के बाद आप उसमें, जैसे अभी हैट है तो ब्लैक कलर का हैट है तो उसको फिर आप ब्लैक थोड़ा सा उसमें ले लीजिए कलर में, पर्पल में, और उसको फिर और डार्क कीजिए। या आपको लगे कि अगर स्किन टोन में कहीं पे ग्रीन रिफ्लेक्शन है तो ग्रीन का थोड़ा सा फिर बाद में आप टिंट ले लीजिए और उसमें ऐड कीजिए। तो ऐसे बाद में आप थोड़े थोड़े कलर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही आप अगर कलर मिक्स करेंगे साथ में सब एक साथ तो कलर जो है उसका वाइब्रेंसी कम हो जाता है। और आप चार से भी ज़्यादा कलर एक साथ कभी मिक्स नहीं करना, क्योंकि चार से ज़्यादा कलर एक साथ मिक्स करने से कलर डल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको और थोड़ा सा फिनिश करेंगे।
तो सो फार मैंने इतना बनाया है। सो बेसिकली जो लोग अभी नए आए हैं, ये मैंने जो पोर्ट्रेट बनाया है वो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है। तो तीन कलर्स में ये कलर पोर्ट्रेट बना रहा हूँ मैं, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर और वाइट। ठीक है, तीन प्राइमरी कलर और एक वाइट, ये चार कलर्स जो हैं उनके साथ मैं ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। और इसका एडवांटेज ये है कि आपको शेड्स कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी कलर्स कैसे बनाते हैं, टर्शरी कैसे कलर्स बनाते हैं, वो ये तीन प्राइमरी शेड से आप बना सकते हैं, येलो, ब्लू और रेड। और उसमें वाइट ऐड करने से आपको अलग अलग टिंट्स और टोन्स मिलते हैं। तो जब भी आप कोई पोर्ट्रेट बनाएंगे तो आप ट्राई कीजिए कि ये तीन कलर से पहले शुरुआत करें और वाइट लेके उसको शेड्स और टोन्स बनाएं। इससे आपको एक कलर का आइडिया अच्छा आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि कैसे आपको कलर्स बनाने हैं, कैसे सेकेंडरी टर्शरी कलर्स बनाने हैं। ठीक है, और ये एक्रेलिक कलर्स फॉर कैनवस है, ये कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स फॉर कैनवस। ये कलर्स हाई विस्कोसिटी कलर्स हैं, तो इसको आप नाइफ से भी पेंट कर सकते हैं या हॉग हेयर ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं। मैंने जो ब्रश यूज़ किया है ये सिंथेटिक हेयर ब्रश है, फ्लैट ब्रश, और ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है। इससे आप वाटर कलर भी पेंट कर सकते हैं, ऑयल पेंटिंग भी कर सकते हैं और एक्रेलिक कलर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसमें काम है, मैं इसमें और थोड़ा सा पेंटिंग करके इसको फिनिश करूँगा।
ओके सो अब ये जो डेमो सेशन में मैंने इतना किया है, एज यू कैन सी इट्स अ सेल्फ पोर्ट्रेट, और ये मैंने जो बनाया है फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स फॉर कैनवस से. सो होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स फॉर कैनवस. ये फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स फॉर कैनवस से बनाया गया है 200 ml. और अगर आपने कभी पोर्ट्रेट बनाया नहीं है तो याद रखिए, आपको सीखने के लिए पहले 3 कलर से आप ट्राई कर सकते हैं, ब्लू कलर, येलो, रेड और वाइट. वाइट इज़ जस्ट टू मिक्स एंड मेक टिंट्स एंड शेड्स, लेकिन 3 प्राइमरी कलर्स होना बहुत ज़रूरी है आपके पोर्ट्रेट में. इस तरह से आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं. सो होप टू सी यू अगेन सम अदर टाइम. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू नजरुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. थैंक यू मंसूर. आई विल सी यू अगेन सम अदर टाइम. थैंक यू सो मच. Hope you enjoyed the demo.